आज अपने प्रोबेबिलिटी करना है फ्रॉम टेक्स्ट बुक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम सैटरडे को नहीं था ये वाला क्लास? नहीं, सैटरडे को नहीं था। चलो, प्रोबेबिलिटी टेक्स्ट बुक ओपन द पेज नंबर 283। ओपन द पेज नंबर मैम टू टेक्स्ट एटी बुक थ्री यस बेटा, टेक्स्ट बुक। स्पाइरल नहीं होगी? सर ने आज बोला है टेक्स्ट बुक से पूरा चैप्टर कराना है, तो मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। मैम मेरा चैप्टर नंबर 7 बाकी है, मेरी एग्जाम में आने वाला है। कौन? मैम हाँ बेटा, कौन सी ब्रांच? घाट लोढ़िया। हो ही नहीं सकता, चैप्टर 7 मैंने ही कंप्लीट कराया। कौन है? मैम ऑफलाइन में कराया होगा, मैं तो ऑनलाइन में हूँ। तो वो तुझे मैम से बात करनी चाहिए बेटा, एडमिन में। ठीक है मैम, पूरा 7, 7.4 तक करा दिया। आपने ऑफलाइन में करवाया होगा, हाँ तो ऑनलाइन? तब तो अगर तू बोलती तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में कर लेते ना बेटा। तुझे वो सोनिया मैम से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैंने सोनिया मैम से बात तो की थी, चैप्टर 7 की। अच्छा, ऐसा है? क्या नाम है? दिया मूवी। दिया मोदी। अच्छा, एक बार बोल देना मैम को। ओके, ठीक है मैम। चलो एवरीवन, एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बाकी है ना टेक्स्ट बुक? फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप? यस मैम। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? पता है ना सबको कि नहीं? यस प्रॉबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांस। यानी सपोज कि मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। स्पाइरल करा रहे हो। नहीं बेटा, एक्सरसाइज 15.1 टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलो। प्रॉबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांस ऑफ द इवेंट। इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम, तो कॉइन टॉस करते हैं तो कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं? आइदर हेड और टेल, हेड और है ना? टेल चांसेस हो नहीं सकता, मैं भी हो सकता एवरीवन ऑन योर हेड हेड। वीडियो, नहीं तो लास्ट टाइम के जैसे वेटिंग में बिठा दूंगी, फिर एंटर नहीं होने दूंगी। हाँ, एवरी टाइम नहीं बोलना पड़े। यस मैम। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सबको पता है। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांस ऑफ द इवेंट। यानी अगर मैं कॉइन टॉस करती तो सबने देखा है ना, कॉइन में हेड आता है या टेल आता है। तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी को इतनी होगी, सो इट्स 1/2। Why? Because total outcomes H and T, और H एक बार हो रहा है, so 1/2, and probability of getting tail, वो भी क्या आएगा? 1/2। मैं एक बार की बात कर रही हूँ, एक बार कॉइन टॉस करता है तो देर आर टू आउटकम्स, है ना? सो P ऑफ H क्या आएगा? आपको अच्छे से लिखना है कि P ऑफ H इज गेटिंग अ हेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसके आंसर है 1/2, एंड P ऑफ T विच इज ऑल्सो 1/2। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड टाइम ध्यान से देखना कैसा आउटकम लिखना है। प्री मेथड से सिखा रही हूँ। ये वन टाइम हो गया, नाउ सेकेंड टाइम व्हेन आई एम टॉसिंग द कॉइन अगेन। तो ऐसा सोचो कि आपके एक हाथ में जो कॉइन है उसमें एच फिक्स्ड है, एक हाथ में जो कॉइन है उसमें उसमें एच फिक्स्ड है, और दूसरे हाथ से आप टॉस कर रहे हो। तो देयर आर टू चांसेस ना एच के साथ, एच भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे एच भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम कैसे आएंगे? रीड कैसे करना है मेरे को? एच एच, देन एच टी, देन टी एच, एंड टी टी। आया समझ में? यस तो टोटल आउटकम्स एच एच, एच टी, टी एच, एंड टी टी। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, तो टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी कौन सा आउटकम वन आएगा? बाय फोर 1/4, बिकॉज एच एच वाला एक ही है ना अपने पास, सो इट्स 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स, तो क्या आएगा वन आंसर? बाय विच इज बाय ऑल्सो 1/4। ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना, बाद में लिखने का टाइम नहीं रहेगा क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड,
वन हेड, तो उसका चांसेस क्या आएगा बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है? नहीं, मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो कौन कौन से आउटकम है? कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ कॉन्सेप्ट. मम्मी ये लिखना है? नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिखना. ओके मैम. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 1/2. अब ध्यान से देखना मैं क्या पूछ रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, और एटलीस्ट और एटमोस्ट का मीनिंग समझ लेना. एटलीस्ट मतलब क्या? आप किसी के घर पे जा रहे हो गेस्ट बन के, तो आप क्या बोलोगे? मैं एटलीस्ट एक समोसा खाऊंगा. क्यों? क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया कि डायरेक्टली मैं तीन समोसा खाएंगे तो कैसा लगेगा. एटलीस्ट वन का मतलब है वन या उससे ज्यादा, वन या उससे ज्यादा. तो आप कितने भी खा सकते हो. तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, एटलीस्ट वन हेड, तो उसमें एक और एक से ज्यादा हेड. तो कौन कौन से आउटकम आ सकता है? HH, 3/4, HT and TH. एटलीस्ट का मतलब समझ लेना ध्यान से, वन एंड मोर देन दैट. ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. ठीक है, सो आंसर इज 3/4. अगर मैं पूछती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम दो, मैक्सिमम टू, उससे कम कुछ भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा. तो एटमोस्ट टू में कौन से आउटकम आएंगे बताओ? 1/2. नो, ध्यान से सोचो, मैंने क्या बोला? एटमोस्ट टू, एटमोस्ट टू यानी मैक्सिमम तो मुझे दो चाहिए. सारे आ गए, क्यों? मैक्सिमम टू तो HH भी आएगा, उससे कम तो HT भी चलेगा, उससे भी कम तो TH भी चलेगा, जीरो भी चलेगा. तो ऑल फोर आउटकम, सो माय आंसर इज 4/4 व्हिच इज 1. क्लियर एवरीवन? यस मैम. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, लिखने का टाइम नहीं है मैम. पर मैक्सिमम मतलब उधर तक तो लेना पड़ेगा ना. मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट यानी मैक्सिमम टू, यानी टू को कंसिडर करना है, उससे लेस देन वन, जीरो, सब. ठीक है ना, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना. नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ मैम, ले ली. ओके, नेक्स्ट इज, अब यही क्वेश्चन अपने ने एक बार टॉस किया, अब सेकेंड टाइम भी कर दिया. अगर मैं बोलती हूँ मैं थर्ड टाइम टॉस कर रही हूँ, ऑलवेज ये ट्री मेथड से याद रखना, तो आपको आउटकम लिखने में इजी रहेगा, रट्टा नहीं मानना पड़ेगा. तो फर्स्ट एच के साथ मैंने क्या ड्रॉ किया? हाँ, ये ट्री मेथड है बेटा, कॉइन टॉस करते हैं ना, उसका ड्रॉ किया मैंने कि आउटकम कैसा लिखना है. जैसे ऐसा क्यों किया वो बता रहे. फर्स्ट टाइम मैंने जब कॉइन टॉस किया तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स H and T. ठीक है, और फर्स्ट को फिक्स कर दिया, सेकेंड को टॉस कर रही हूँ, तो उसमें H and T दो ऑप्शन हो सकते हैं. अब सेकेंड में भी फर्स्ट H था, ये सेकेंड भी H है, तो अगेन थर्ड को टॉस किया, तो उसके साथ दो ऑप्शन है H and T. आया समझ में? ऐसा क्यों किया? एक बार करो ना सर. क्या देखो, एक बार मैंने कॉइन टॉस किया तो ये एच टी आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एच टी आ गया. अब दूसरी बार मैं कर रही हूँ ना, तो ये जो एच है तो उसके साथ अगेन ऑप्शन है, एच भी हो सकता है, टी भी हो सकता है ना. जैसे बेटा लॉजिकली समझो, ये मेरे दो हैंड्स हैं यहाँ. ठीक है, एक में है एच, इसको मैं टॉस कर रही हूँ, तो ये एच भी हो सकता है, टी भी हो सकता है. इसको मैंने फिक्स कर दिया कि ये एच है, तो एच के साथ एच आया, दैट इज एच एच. अगर टी आ रहा है तो एच टी. आया समझ में? दो बार में. Yes, ma'am. और थ्री टाइम्स में क्या समझना, ये एच फिक्स है, दूसरी बार ये भी एच फिक्स है, और थर्ड को मैंने टॉस किया, तो उसके साथ एच और टी, देयर आर टू ऑप्शंस. HHT. ओके, अब देखो लिखना कैसे है. तो सबसे पहले ये ये हम फिक्स कर रहे हैं या फिर वो दे गए? नहीं, अब मैं सोच रहे बेटा, ये देगा ना, ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे आएगा, टॉसिंग अ कॉइन थ्री टाइम्स, या फिर ऐसा लिखेंगे टॉसिंग अ थ्री कॉइंस वन टाइम.
है ना, तो भी यही आएगा। अब आउटकम कैसा लिखना है, देखो मैंने बनाया है, उससे आप फटाफट देख सकते हो। एच 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 दिख रहा है सबको? यस मैम। उसके बाद है एच एच टी, उसके बाद है एच टी एच, एक मिनट मैं अलग कलर यूज कर रही हूँ तो दिखाई दे, एच टी एच, ओके देन ओके एच टी टी, एक में मैंने बता दिया तो नीचे वाले में समझ आ जाएगा सबको। यस मैम। ओके सो आउटकम्स आर एच एच एच, नेक्स्ट इज, ये याद रखने में इजी रहेगा, कभी ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा आपको, एच एच टी देन एच टी एच, नेक्स्ट इज एच टी टी, ठीक है। ऊपर वाले से चार आ गए, अब नीचे वाले से देखते हैं कौन कौन सा आउटकम आ रहा है, दैट इज टी एच एच, नेक्स्ट टी एच एच टी, नेक्स्ट टी टी एच, नेक्स्ट इज टी टी टी, इजी। अब मैं वो पूछती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स, तो क्या आंसर आएगा? थ्री हेड्स, वन अपॉन एट, है ना। थ्री हेड्स का मतलब आउटकम कौन सा होगा, ट्रिपल टाइम्स वन। ओके, सिमिलरली थ्री टेल्स में भी वही आंसर आएगा, वन अपॉन एट। The next is probability of getting two heads. तो कौन कौन से आउटकम आएंगे देख के बताओ। टू हेड्स, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ध्यान से देखो कितने आ रहे हैं, 1/2, कहां से 1/2, देखो मैंने अंडरलाइन किया है, 4/8, क्योंकि तीन बार एच लिए उसमें दो एच तो आए ना। कहा बेटा, नहीं हमने दो बार एच आए, ऐसा नहीं गिनने का, दो बार ही दिखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं दिखने चाहिए। टू हेड्स का मतलब ओनली टू टाइम्स दिखना चाहिए, तो क्या आंसर आएगा? मैम हमें ये देखना है कि किसमें दो बार हेड्स आ रहा है। हाँ, यही फाइंड करना है किसमें दो बार हेड्स आ रहा है, तो मैंने जितना अंडरलाइन किया है वो तीनों में दो बार हेड्स आ रहा है। 5/8 आएगा, तो फिर कहाँ 5 है, किसमें दो बार हेड्स और दिखा आपको? 1/8। नहीं मैम, तो फिर हम ये तीन बार एच 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 वो वाला नहीं गिनेंगे। कौन सा बेटा? ये फर्स्ट वाला एच, दो या दो ही दिखने चाहिए, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। ओके मैम, 3/8, 7/8। अरे कहाँ से कब 7 कहाँ से आ जाता है, ओनली मैंने अंडरलाइन भी किया, ये एक, ये दो और ये तीन, दो बार दिख रहा है ना उसमें। यस ओके, अब मैं बोल रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, चलो ध्यान से अच्छे से बताओ कौन सा आंसर आएगा। 2/8, 1/2, 3/8, 3/8, 1 head, 1, 2, 3, yes 3/8, 3/8। अगर बोलते हैं अब अच्छे से आंसर देना एक ही बार में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वन एंड 1/4, 1/4, 7/8, अरे नहीं, यस 7/8, आंसर इज 7/8, मैंने एटलीस्ट वन हेड यानी वन और उससे ज्यादा, तो क्या आएगा 7/8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड यानी मैक्सिमम मुझे एक हेड चाहिए और उससे कम भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, यस 7/8, रॉन्ग 1/8, 4/8। आप लोगों ने कौन सा नहीं गिना, टी टी टी, एटमोस्ट वन हेड का मतलब वन और उससे भी कम, तो हेड नहीं है वैसे, ये आएगा ना, एटमोस्ट वन का मतलब क्या है, वन और उससे कम, तो आप लोग जीरो भूल जाते हो, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। अब बाकी के ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, वो आप खुद से वर्कआउट कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू टेल, है ना।
चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फटाफट, कंप्लीट करना है चैप्टर। मैम दो मिनट उसका स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा ओके 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 स्क्रीनशॉट ले। अच्छा वैसे भी रिकॉर्डिंग मिलती है ना आपको? यस यस मैम। तो फिर कहाँ जरूरत है स्क्रीनशॉट की? चलो मैम हम एक्सरसाइज के बाद लिखे तो चलेगा? हाँ बाद में लिखना, अभी नहीं लिखना है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.1 रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फास्ट। खुद से रीड करना, जोर जोर से नहीं रीड करना, अपने लिए रीड करना। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। क्या बोला उसने? एक्चुअली ये लिखना कैसे होता है मैं एक क्वेश्चन में बता देती हूँ, अभी तो मैं डायरेक्ट कराऊंगी पर एक क्वेश्चन में बता देती हूँ। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे इवेंट, इवेंट में क्या लिखेंगे, जरूरी नहीं ए, ए टू जेड आप कोई भी अल्फाबेट ले लो। इवेंट ए, इवेंट में क्या लिखना है जो मुझे फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है मेरी? शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसके बाद अपना लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स यानी उसने टोटल कितने मैच प्ले किए? देखो तो डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, टोटल मैचेस कितने उसने प्ले किए? 30। अब मुझे फाइंड करना है पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए अपने क्या लिखेंगे? कैसे पूरा नहीं पूरा लिखेंगे, नहीं ऐसा लिखना पूरा स्टेटमेंट में शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री ऊपर का पूरा अपॉन 5 अपॉन टोटल मैचेस। एक सेकंड, टोटल मैचेस मैम आंसर फाइनल आंसर 4 अपॉन 5 है। ठीक है ना, मैं लिखना सिखा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर बताऊं। 0.8 नहीं होगा आंसर? एक मिनट देखो बेटा, शी डिड नॉट हिट, तो उसने आपने कैसे फाइंड किया? 30 माइनस 6 टाइम्स तो उसने हिट किया ना, तो 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 30 कितने मैचेस उसने किए? 30। सो आंसर इज 24 अपॉन 30 है 30 बॉल्स 33 टेंस 4 अपॉन 5 वो भी करना है 0.8। काफी स्कूल में चलाते हैं बेटा, काफी स्कूल में फ्रैक्शन में चलाते हैं, काफी स्कूल में बोलते हैं डेसिमल, चलेगा फ्रैक्शन में भी चलेगा। ओके मैम ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन होगा कि डिड नॉट की जगह ऐसा बोलते हैं शी हिट अ बाउंड्री, तो क्या आंसर आता? 6/30 लिखना नहीं है बेटा, मुझे पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। मैम 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Yani kya recorded kiya hai? Number of girls in a family, aur dusra likha hai number of families, theek hai? Aur compute the probability of a family chosen at random having 2 girls. Yani mujhe kiski probability find karni hai ki jisme 2 girls ho, hai na? तो इवेंट कैसे आप लिख दोगे? अभी मैं डायरेक्ट सिखा रही हूँ। इवेंट में क्या लिखोगे आप? फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, फिर उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। चलो पी ऑफ, अगर वो ए इवेंट है तो ऊपर वाले टेबल में देख के मुझे बताओ कि सबसे पहले टोटल आउटकम क्या होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है? देखो 1500 ओके 1500 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स कितने फैमिलीज है जिसमें 2 गर्ल्स है? 475 अपॉन 475 और 19 अपॉन 60 19 अपॉन 16 ओके सुनो मेरी बात तो सुनो,
इसमें अगर आप इतना ही लिखोगे तो आंसर नहीं चलेगा. क्यों? अगर फ्रैक्शन में लिखते हो तो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होना ही चाहिए. ठीक है, हो जाएगा? या किसी को सिंप्लीफिकेशन में भी डाउट है? हो जाएगा ना, कैंसलेशन करना है यानी दोनों के बीच में एक नंबर ही. ओके, चलो ये कंप्लीट कर लेना आपके लिए. चलो नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज हैविंग वन गर्ल. कितने हैं? 1500. ओके, देन नेक्स्ट इसमें भी आ गए सिंपलीफाई. 407/750. नेक्स्ट इज 211/1500. यस, नो गर्ल बोला है ना, तो क्या आएगा? 211. अगर इसमें ऐसा बोलते हैं कि फैमिली हैविंग एटलीस्ट वन गर्ल तो क्या आंसर आता, बताओ तो. एटलीस्ट वन गर्ल इसको ऐड कर 211/1500. रॉन्ग. एटलीस्ट 814/1500. रॉन्ग. कि एटलीस्ट वन बोलते हैं तो किस किस को ऐड करना पड़ेगा, सोचो. मैंने कितने 475 + 814 इन दोनों को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 1500. ये किसके लिए मैंने बोला एटलीस्ट? ये टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है. हाँ, एटलीस्ट पर एग्जाम में पूछेंगे ऐसा, स्कूल में भी, तो ध्यान रखना. ऐसा ही अगर पूछते हैं एटमोस्ट टू गर्ल तो देख के बताओ एक ही बार में. 1025/15. एटमोस्ट टू गर्ल. 1025/15. कितना? 1025/15. एटमोस्ट टू, बेटा ध्यान से देखो किसको. मैं वो टू वाला ही लेंगे. 475/1500. क्यों गप्पे मार रहे हो? एटमोस्ट टू का मतलब क्या है? 2 8 1 4 0 1 आ गया आंसर. बेटा एटमोस्ट टू का मतलब है टू गर्ल्स भी होगी, वन भी होगी, नो गर्ल्स भी होगी. एटमोस्ट टू का मतलब मैंने सिखाया था टू एंड लेस देन दैट. अभी तो सिखाया कॉइंस में, याद आया? यस. ओके, तो लेट ज्वाइन नहीं होना है, जिस टाइम पे ही ज्वाइन होना है. 8:30 का लेक्चर है तो 8:25 को ज्वाइन होकर बैठ जाओ. मैं 4 मिनट ही लेट हुई थी. 4 मिनट भी नहीं चलता है, मैं कभी 2 मिनट भी लेट नहीं होती हूँ. तो 4 मिनट तो कहाँ से आता है बेटा? चलो स्क्रीन शॉट ले लो या फिर मैं ढूंढना पड़ेगा. चलो रिफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14. चलो निकालो एग्जाम्पल 5. कौन सा पेज नंबर है जिसको मिल जाए वो बोलना. चलो एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 5. मैम पेज नंबर 24. पेज नंबर 244. 7 247. ओके ओके, चलो 247 एग्जांपल 5 मिल गया. ठीक है, चलो उसका उसने टेबल कोई प्रिपेयर किया है पीछे? नहीं है. चलो कोई बात नहीं. अब ये जो ग्राफ गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. रिफर टू एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14. Find the probability that a student of class was born in August. तो देखो तो पहले तो total number of students कितने हैं वो question में always दे रखा होता है. देखो तो total number of students very first line में given है, कितने हैं? 40. Students born in August कितने हैं? देखो six upon 40. किसी को doubt है इसमें? five है या फिर six है? हाँ बेटा 6 है. देखो ध्यान से देखो, स्केल लेके बैठो ऐसा हो तो. मैम कट. 3.20 वो आपको करना ही है बेटा एवरी क्वेश्चन में. ठीक है, 6.5 है क्या? 6.5 नहीं है, 6 है.
आधा बेटा कोई स्टूडेंट को आधा करेंगे अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट फोर बोल सकते हैं फाइव बोल सकते हैं फोर पॉइंट फाइव बोल सकते हैं चलो नेक्स्ट इज फोर्थ वन फोर्थ रीड करो थ्री कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स आउटकम्स गिवन है देखो कौन कौन सा है थ्री हेड्स पार्श्व सीलिंग दिख रही है मैम लास्ट वाली स्लाइड करो ना मैम स्क्रीनशॉट लेने रहेगी देवांश क्यों लेट एंटर हुए अपने आधे घंटे बाद अरे तब का ज्वाइन ही हूं मैम मैं तो देखा मैंने कितने टाइम पे तो ज्वाइन हुआ देख अपना टाइम देख लॉगिन टाइम अरे 15 था 15 या 16 था मैम थर्ड क्वेश्चन नहीं करने का थर्ड क्वेश्चन करा तो दिया क्या नहीं करने का है कहां सो रहे थे अपने मैम सेकंड थर्ड थर्ड अरे अगस्त वाला हो चुका है मैं भी अगस्त में ही बोन हूं अच्छा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर थ्री कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स तो आउटकम्स गिवन है थ्री हेड्स टू हेड्स वन हेड नो हेड फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है थ्री हेड्स कितनी बार आ रहा है वो दिया है 23 टाइम्स टू हेड्स कितनी बार आ रहा है 72 अब अपने को पूछा है इफ द थ्री कॉइंस आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन compute the probability of two heads तो ये तो सबसे इजी है two heads यानी 72 divided by 200 चलो अब मैं पूछती हूँ probability of getting at most three heads सही में आंसर बताना चलो गप्पे नहीं मारना ट्रायल एंड एरर नहीं है एक ही बार में आंसर सही आना चाहिए जो बोलेगा उसको तीन चैप्टर पूरा ट्राइंगल होमवर्क में थ्री टाइम्स चलो सोच के बताओ उसका मतलब ये नहीं है बताना ही नहीं है मैम वन मैम मैंने पहले बोला आपको क्या बोला वन वेरी गुड अब पक्का समझ में आया वन कोई डाउट है किसी को ओके चलो एक लास्ट पूछ लूं एटलीस्ट यस मैम एटलीस्ट टू हेड्स नहीं भले आप एडिशन नहीं करो सिर्फ इतना बता देना किस किस का एडिशन करना पड़ेगा अरे मैम 72 और 23 करेंगे हम तो क्यों गप्पे मार रहे हो देखो आप अपने घर पे ये यूज करना जब खाना खाना बैठा ना तब बोला मम्मा मैं एटलीस्ट वन रोटी खाऊंगा यानी वन से चालू करना है फिर फोर भी खा सकते हो फाइव भी खा सकते हो टेन भी खा सकते हो समझ आया एटलीस्ट वन यानी मिनिमम तो मैं वन खाने ही वाला हूँ समझ आया अरे पूरा रिकॉर्डिंग मिलता है स्क्रीनशॉट की कहां जरूरत है यस मैम चलो नेक्स्ट एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम सर्वेंटेड इंटरव्यू चलो पीछे देखो टेबल में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं देखो 2400 ओके चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ देखो फर्स्ट है पी ऑफ ए लिख रहे हो मैं फर्स्ट को ध्यान से देखना कि टेबल में क्या गिवन है मंथली इनकम गिवन है फर्स्ट लाइन इज लेस देन 7000 तो मंथली इनकम जिसकी लेस देन 7000 है ऐसे उसमें व्हीकल पर फैमिली तो मैं ऐसा अगर पूछती हूँ लेस देन 7000 एंड हैविंग टू व्हीकल्स तो क्या आएगा लेस देन 7000
एंड हैविंग टू, तो फर्स्ट रो देखनी है और सेकंड व्हीकल वाला कॉलम देखना है. सो आंसर इज 25 अपॉन 2400. आया समझ में? अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन, अर्निंग रुपीज 10,000 टू 13,000, यानी कौन से नंबर की रो हुई बेटा? टेक्स्ट बुक में देखो देवांश, कौन से नंबर की रो हुई? 29 हुई. थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम आंसर कौन सा आएगा? 29/24. जिसको इसमें डाउट है कि नहीं देखने में समझ आ रहा है वो ही अपना हैंड रेज करे, बाकी कोई नहीं. नो वन. ओके चलो, सबको समझ आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर, कौन से नंबर की रो देखनी है? लास्ट, 579 अपॉन 240 एंड वन व्हीकल 479 by 2004. ठीक है मैम, पर उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, वो आपको करना है, आपके लिए रखा है मैम. 193 upon 800. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करना बैठूंगी ना बेटा तो पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, इसलिए है ना. 10 upon 240. 1 upon 240. एक सेकेंड मुझे पढ़ने दो, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दो सिंप्लीफाई, नहीं तो आप एज इट इज आंसर छोड़ दोगे. चलो नेक्स्ट, अर्निंग लेस देन 7,000 एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, तो क्या आएगा? 10 by 240. ओके चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, पी ऑफ डी, 13,000 to 16,000, कौन से नंबर की रो है? फोर्थ है. और टू, और एक मिनट, क्या लिखा है? मोर देन टू व्हीकल, तो मुझे कौन कौन से कॉलम लेने पड़ेंगे? देखो ध्यान से, 2 and 59 and 20. ओके सो 59 plus 25 2400. ठीक है, आगे कंपलसरी सिंप्लीफाई करना ही है, याद रहेगा ना? यस मैम. जूही क्या लिख रही है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं अपने. ऑलवेज बोलती हूँ कि जब एक्सप्लेन करती हूँ तो यहाँ पे देखना है, इसलिए वीडियो ऑन रखाती हूँ कि मुझे समझ आए कौन क्या कर रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन बातें कर रहा है बाजू में, जैसे वैभव भी बातें कर रही थी. मैं ऐसा नहीं है कि लिखती नहीं हूँ तो किसी के ऊपर ध्यान नहीं है. मैं तो लिखता ही नहीं हूँ. अच्छा है, वो तो पता ही है पहले से. लास्ट में लिखूं. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज पी ऑफ फिफ्थ. कोई क्वेश्चन चल रहा है? 7 upon 1200. देखो इसमें क्या लिखा है, ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, पर इसमें कोई अर्निंग का क्राइटेरिया नहीं दिया है ना, कि इनकम कितनी है, सिर्फ अपने को ऐसा बोला है कि नॉट मोर देन वन, एक सेकेंड, नॉट मोर देन वन व्हीकल, तो किस किस को ऐड करना पड़ेगा बताओ? 10 plus 1 plus 2 plus 10 plus 1 plus 2 plus यानी फर्स्ट वाला जो जीरो लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, नॉट मोर देन वन व्हीकल, यानी वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जीरो और वन से. यस, तो दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, समझ आ रहा है? सारे और वो भी समझ आ रहा है. तो टू कॉलम्स कंसीडर करने पड़ेंगे मुझे, कौन कौन से? जीरो एंड वन, है ना? यस मैम. यस मैम. किसी को लिख दो यहाँ पे क्या क्या एड करना है. इक्वल्स टू 2062 आता है, तो कैलसी लेके बैठा है क्या? अब हम सिंपलीफाई करके 1031 upon 1200 आता है. ओके बेटा. यस मैम. यस. क्या मोबाइल लेके बैठा है वो? यस. अरे नहीं है, देखो मैं मोबाइल लेके नहीं है. 579 divided by 2. ठीक है ना, ध्यान से समझना. हाँ, और अगर इसमें ऐसा गिवन होता कि लेस देन वन, तो कौन सा कॉलम ऐड करना पड़ता? लेस देन वन तो जीरो वाला. ओके, अगर मैं बोलती हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो मैम टू और अबव. चलो सब क्लियर है. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वापस से रिफर वाला. चलो
रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14.7 जिसको मिल जाए वो पेज नंबर बताना मैं पेज नंबर 250 ओके 14.7 251 पर है दिख रहा है सबको यस मैम ओके चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट पहले तो देख लेते हैं टेबल में गिवन क्या है मार्क्स गिवन है 0 to 20, 20 to 30 रेंज गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है अब मुझे क्या पूछा है कि लेस देन 20% तो कौन सा नंबर आएगा कितने स्टूडेंट्स है जो लेस देन 7 एक मिनट समझ तो लो चैप्टर 14 याद है तो 0 टू 20 में अपने 20 तो ऑलवेज नेक्स्ट रो में ही कंसीडर करते हैं yes, याद है ना yes, yes. तो आंसर इज 7 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 90 mm तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 7/90 ठीक है अब चलो सेकंड बताओ सेकंड का आंसर क्या आएगा सेकंड क्या पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव तो किसको किसको एडिशन करना है 60 और अबव में मैम 15 और 8 को मैम 15 और 8 अपॉन 90 23 अपॉन 90 ओके 15 प्लस 8 अपॉन 90 कोई डाउट है किसी को एनीवन एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन क्योंकि दो तीन लोग बोल रहे हैं तो बाकी सब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना कर्तव्य समझ आ रहा है बेटा यस मैम यस मैम चलो दिया तो सोनिया मैम को बता देना हाँ मैम ओके फिर मुझे बोलेगी तो मुझे याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 चलो फर्स्ट वन To know the opinion of the students of citizens survey, कितने number of students है देखो तो total number of students 200 okay और find क्या करना है first like statistic कितने 135 upon 27 upon 40 upon 200 मुझे लग रहा है तू कोई solution लेके बैठा है school की book मैम कैलसी लेके बैठ नोटबुक दिखा बाजू में जो नोटबुक है वो दिखा स्कूल वाली एक भी बुक नहीं है देखो मैं कुछ भी दिख रहा है स्पाइरल है ओके चलो सेकंड मैम ऐसे भी संदीप सर ने एक बार करा दिया है अच्छा मुझे भी लगा फर्स्ट टाइम हो रहा है पर मैम उन्होंने सिर्फ टेबल वाले ही कराए थे ये रिफर वाले नहीं कराए थे फिर कोई बोलेगा मैम अभी खींच लो का मैम सी एफ बी डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक चलो बताओ कितने ना अपने क्यों कुछ भी आंसर नहीं देख रहे दे रहा है ये देख रहे कि कौन कौन दे रहा है वो नोटिस कर रहा है बेटा नहीं मैं समझ रही हूँ समझ रही ना ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 रिफर कौन सा बेटा क्वेश्चन 7 लास्ट किया वो 7th वाला ओके चलो देखते हैं 7th वाला क्या लिखा है बेटा डज नॉट लाइक यानी डिसलाइक तो डिसलाइक वाले स्टूडेंट्स कितना है देखो बेटा टेबल में दिखा 65 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 200 Everyone, मैं अगेन बोल रही हूँ मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है आपको सिंप्लीफाई करना है ना भूल नहीं जाना क्वेश्चन नंबर 8 रिफर टू क्वेश्चन समझ में नहीं आया कौन सा 7 नहीं समझ क्या समझ नहीं आया ये बता कौन है मैम 135 अपॉन 200 कैसा देखो बेटा फर्स्ट में क्या लिखा है लाइक स्टेटिस्टिक तो ओपिनियन में देखो फर्स्ट कॉलम में ओपिनियन में लिखा है लाइक और जिसने लाइक कर रहा है इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं फर्स्ट रो देखो दिखा है yes. तो कितने लिखे है बेटा लाइक के सामने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है
135 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में वेरी फर्स्ट लाइन में गिवन है. कितने स्टूडेंट का सर्वे किया हुआ है देखो 200. ओके सो इट्स 135 बाय 200. एंड सेकंड में क्या बोला है कि डज नॉट लाइक दैट मींस डिसलाइक. और डिसलाइक वाला कितना स्टूडेंट है 65. ओके नो डाउट नो मैम. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. अच्छा दो स्लाइड चली गई क्या मेरे से. ओके एट रिफर टू क्वेश्चन टू एक्सरसाइज 14.2. चलो निकालते हैं पेज नंबर 240. पेज नंबर 245 निकालो. क्वेश्चन नंबर टू डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विच इज गिवन इन किलोमीटर. 40 इंजीनियर्स है और वर्क प्लेस से उनका डिस्टेंस गिवन है कि कितने कितने डिस्टेंस पर उनका रेसिडेंस है. क्वेश्चंस पहले एक बार देख लो क्योंकि क्वेश्चन लंबा है. आई थिंक 14 चैप्टर तो अपने ने कर दिया है ना. यस मैम. यस द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट. एक मिनट थोड़ी सी शांति रखो पहले समझने दो सबको. मैम फर्स्ट का 9 है. कुछ कुछ नहीं नहीं है. चलो क्वेश्चन अपॉन 40 आंसर है. 9 अपॉन 40 अगर आप आंसर बोलते हो ना तो जो लोग सोचते है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. यस मैम. हाँ वो तो भी बोल रहा है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन मुंह बंद रख अपना अभी सही में वेटिंग में जाएगा. Less than 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क. लेस देन 7 किलोमीटर का मतलब है मुझे 7 को कंसीडर नहीं करना है. तो आप आराम से इसमें से फाइंड कर लेना कि कितने कितने किलोमीटर्स है. तो जैसे 5 कंसीडर कर रहे हो फिर 3 कंसीडर ऐसे काउंट कर लेना टोटल कितने इंजीनियर्स है ना. तो आ जाएगा आंसर इज 9/40. गिन लो जिसको भी डाउट है वो गिन लो कितने हो रहे हैं. और गिनते एक मिनट बेटा गिनते हो ना तो हॉरिजॉन्टली नहीं गिनना वर्टिकली गिनना. वर्टिकली इजी दिखेगा हॉरिजॉन्टली कंफ्यूज हो जाओगे. पी ऑफ ए सेवन को नहीं गिनना ना. नहीं बेटा लेस देन 7 बोला लेस देन और इक्वल टू 7 लिखा होता ना तो मैं गिनती. ओके अच्छा 9 मैंने 7 लिख दिया. मैम मतलब 7 से कम जीतने डिजिट है उन सबको प्लस करना है ना. हाँ उन सबको यानी प्लस यानी वो ऑब्जर्वेशन प्लस नहीं करना है बेटा. अपने क्या फाइंड करना है इंजीनियर्स नंबर ऑफ इंजीनियर्स फाइंड कर रहे हैं. तो 5+3 ऐसे नहीं करना है. 5 किलोमीटर पर आ रहा है वो एक इंजीनियर है यानी एक पर्सन है. दूसरा है 3 किलोमीटर वो दूसरा पर्सन है ऐसे काउंट कर रहे हैं. ओके चलो नेक्स्ट. स्टेटमेंट भी लिखने के क्या स्टेटमेंट वो आप लोग लिखोगे. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन से स्टेटमेंट लिखने हैं. अभी भी किसी को डाउट है स्टेटमेंट कैसे लिखना है. मैंने बोला था ना इवेंट ए लिखना है. नो डाउट. तो फिर चलो नेक्स्ट. पी ऑफ बी. पी ऑफ बी में क्या पूछा है देखो. पी ऑफ बी इज 31 अपॉन More than or more than or equal to 7. बेटा वो काइट फेस्टिवल वाली टेप है घर पे. नहीं है मैं खत्म हो गई है. ओके मैं भिजवा दूंगी. मोर देन और इक्वल टू 7 यानी 7 को कंसीडर करना है. अब मुझे देख के बताओ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 ऐसे कितने इंजीनियर्स है. 7 उसमें बेटा माइनस तू करने जाएगी ना तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि वो 7 वाला नंबर नहीं है तो ही आंसर सही आएगा है ना. नहीं लिया ना वो तो लेस देन था ना. हाँ लेस देन था. अगर उसमें लेस देन और इक्वल टू होता ना तो रॉन्ग हो जाता. तो एवरी टाइम ऐसा नहीं देखना ठीक है. ये इसकी एलिमेंट्री इवेंट है इसलिए सही हो रहा है ठीक है. सो इट्स 31/40. Then last one is 0 upon 40. Within 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर तो कहीं पे मेंशन है ही नहीं ना. सो आंसर इज 0. इजी. यस
चलो दो क्वेश्चन तो निकल गए, नाइन्थ एंड टेंथ निकाल दो, एक्टिविटी है छोड़ दो उसको, इलेवेंथ संदीप सर ने तो रिफर वाले भी ओमिट करवा दिए थे। कोई बात नहीं, अभी सर ने बोला ना मेरे को कराने का, इसलिए मैंने करा दिए। ठीक है चलो अभी अभी देखो, अभी 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लावर। अच्छा इसमें मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं पता है, कि किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो देखते ही नहीं है। जैसे जैसे पता है ना कि फर्स्ट लाइन में ऑलवेज टोटल दिया है तो 5 kg को ले लिया टोटल, ऐसा नहीं है। क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स आर 11। अब इसमें जो केजी गिवन है 4.97, सबसे पहले देखो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडम। क्या सिलेक्ट करना है मेरे को, बैग्स, क्या सिलेक्ट करना है, बैग्स। तो आउटकम्स में क्या आएगा और कैसे कौन सी बैग सिलेक्ट करनी है कि जिसमें 5 kg से ज्यादा है, तो कौन कौन से आउटकम आएंगे बताओ मेरे को। 7/11 कैसे, 7 आउटकम। देखो मोर देन 5, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितनी है 11, तो गलती से टोटल 5 नहीं गिन लेना कि टोटल 5 kg है, बैग्स कितनी है 11, नहीं बेटा 7 नहीं, मैं तो उसको ऐसे ही बोल रही थी। देखो मोर देन 5 kg कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, फर्स्ट आएगा 5.05, नेक्स्ट आएगा 5.08, नेक्स्ट आएगा 5.03, और मोर देन 5 बोला है तो 5 को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 5.06, नेक्स्ट इज 5.08, नेक्स्ट 5.04 एंड 5.07। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 को कंसिडर करना है कि नहीं, मोर देन और इक्वल टू 5 बोला होता तो 5 को कंसिडर करते। ठीक है, क्लियर एवरीवन, की कोई डाउट है? नो मैम, नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से रिफर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.245 नंबर। अभी तो दो ही बाकी है, 12 और 13, फिर एग्जांपल्स देख लेंगे ना बेटा, टाइम बचता है तो। चलो टाइम पास ही कर रहा है ऐसे। चलो तुझे सब आता है, टाइम पास करने के लिए तो फिर लीव कर देना बेटा, कहाँ जरूरत है करने की। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 14.2 क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, 30 दिया है क्वेश्चन में, और सेकंड लास्ट लाइन देखो बेटा क्वेश्चन में, यस मैम दिया है 30 डेज, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.2। अच्छा इंटरवल देखना है ना, तो अपने काम करता है इसका सॉल्यूशन पहले पीछे देखना पड़ेगा, मैं माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। एक सेकंड, 14.2, अच्छा पेज नंबर 344 निकालो, पेज नंबर 344 है ना। अब उसमें देखो ऐसे टेबल दे रखा है, उसमें देखो 0.12 टू 0.16 तो कितना दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, 2, सो आंसर इज 2/30, सो इट्स 1/50। या फिर आपको पूरा देखना पड़ेगा, 0.12 आ रहा है, 0.13, 14, 15, पर 16 कंसिडर नहीं करना है। 0.12 टू 0.16 का मतलब है 0.16 कंसीडर नहीं होता है, अप टू 0.15। ठीक है, क्लियर हो एवरीवन? मैम अगर एग्जाम आया तो ये टेबल बनाना पड़ेगा ना? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए तो बोला मैंने डायरेक्टली फाइंड करना है, और उसके लिए आपको देखना है कि 0.12, 0.13, 0.14 एंड 0.15। ठीक है, ओके बेटा, यस। कोई डाउट है किसी को इसमें, ट्वेल्थ में? मैं लिख लेती हूँ, चलो 12 P of A is 2/13 मैम, 13 का भी आंसर आ गया, 1/10। चलो नेक्स्ट 3/4। अच्छा ब्लड ग्रुप वाला था ना, 30 स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन था, सिलेक्ट वाले 3 है, ये भी इजी है। चलो एबी वाले कितने स्टूडेंट दे रखे हैं, 3 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 30, तो 1/10 इजी। कोई डाउट है किसी को? यस मैम, यस डाउट है बेटा? नो मैम। ओके चलो अभी यहाँ पे देख लो फटाफट, अपने पास टाइम है तो एग्जाम्पल 10 देखो, पेज नंबर 282 दिख रहा है सबको?
यस अब देखो उसमें जैसे 50 सीट्स है तो 50 को टोटल आउटकम नहीं लेना गलती से, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसका ही अपने टोटल आउटकम लेते हैं। तो देखो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्वेश्चन में नीचे देखो टेबल के नीचे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, इन अ बैग के नीचे अंडरलाइन कर दो, यानी अपने को इतनी बैग सिलेक्ट करनी है कि जिसमें मोर देन 40 सीड्स हो। तो देखो तो किसमें देख रहा है मोर देन 40 सीड्स, ऐसे कितने नंबर ऑफ बैग है, टू है, ध्यान से देखो, वन टू थ्री दिख रही है मेरे को, तीन बैग है, टू नंबर थ्री नंबर एंड फाइव नंबर, तो टोटल तीन बैग है। गलती से सबका एडिशन नहीं करना, आपने क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ बैग्स, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलती कर सकते हैं, समझ आया। सो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितनी है, थ्री, वो जो ऊपर दे रखा है ना वो बैग्स का नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, तो थ्री बैग्स एंड टोटल बैग्स कितनी है, फाइव, तो आंसर इज 3/5। Clear everyone? Yes. Next is 49 seats in a bag. कोई भी बैग ऐसी है जिसमें 49 seats है? No. तो answer is zero. Next is more than 35 seats in a bag. More than 35. Sorry. All bags. So 5/5. So answer is 1. Easy. Yes. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 देखो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम, वो एग्जाम्पल 9 लिखने का है, कोई लिखना नहीं है, पहले समझना सीखो, लिखना है नहीं लिखना है, लिखना है नहीं लिखना है, क्यों कर रहा, क्वेश्चन को समझो आंसर कैसे आया, वो आपको खुद से लिखना है प्रैक्टिस करके, मैं अभी कुछ भी नहीं लिखा रही हूँ, ठीक है, ओके मैम। एग्जांपल 9 देखो, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल 14.3 होगा, उसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द, अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है देखो, सबसे पहले 38। क्या सिलेक्ट करना है कि वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50, तो कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं, 3, so answer is 3/38, first option तो easy था, second को समझो ध्यान से, second क्या पूछ रहा है, give two events in this context, one having probability 0 and other having probability 1, यानी मुझे ऐसे example देने हैं जिसमें probability 0 आनी चाहिए और दूसरे में 1, तो 0 कब आ सकती है, अब table में देखो, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ weight of the student is 10 kg, या फिर मैं ऐसा बोलूं वेट ऑफ द स्टूडेंट इज लेस देन 30 kg, तो ऐसा एक भी स्टूडेंट दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, तो उसमें आंसर क्या आएगा, जीरो। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ वेट ऑफ द स्टूडेंट ग्रेटर देन 75 kg, तो भी नहीं आएगा, तो भी जीरो आएगा, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इसमें सबका आंसर सेम आए, ठीक है। अब दूसरा ऐसा मुझे फाइंड करना है कि जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 आती हो, अब मुझे बताओ 1 कब आएगी प्रोबेबिलिटी, कि सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए, है ना, तो अपने क्या लिखेंगे उसके लिए, इवेंट 38/38, वो तो मुझे पता है, पर इवेंट क्या लिखेंगे कि वेट ऑफ द स्टूडेंट कहाँ गया, मानो अब इसमें बताओ वेट ऑफ द स्टूडेंट में क्या लिखेंगे, चला गया इसमें, वेट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम 31 kg to 75, है ना, तो सारे सब स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, समझ आया, यस मैम, मैम एटलीस्ट 75 लिख सकते हो, हाँ तो भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है, सो आंसर इज 1, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और बाकी का देखो एग्जांपल 8, यस
चलो एग्जाम्पल एट पेज नंबर 281, ये भी इम्पोर्टेंट है. अभी अपने ने किया था ना जैसे नो yes. उस टाइप का ये व्हीकल्स और है ना, इसमें देखो एज कितना है 18 to 29 और हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट है ना. तो दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, तो कौन सा नंबर इंटरसेक्ट हो रहा है 61. तो 61 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितना है 2000 हो जाएगा. सेकेंड इज बीइंग 30 to 50 इयर्स एंड हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट. तो कौन कौन से कॉलम्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे? 3 and over 3. 1, 2, 3 and over 3 आ रहा है समझ में सबको? Yes, ma'am. लास्ट में देखो, लास्ट में कोई एज क्राइटेरिया नहीं गिवन है और ऐसा बोला है हैविंग नो एक्सीडेंट. तो फिर अपना क्या ऐड करेंगे? जीरो के सारे प्लस करने पड़ेंगे. यस, जीरो के सारे प्लस करने पड़ेंगे. ओके, इजी बेटा. यस मैम. इसका टोटल कैसे निकालते हैं? क्यों टोटल यानी कितने ड्राइवर्स है वो? हाँ मैम, वो क्वेश्चन में दिया होगा. अगर नहीं दिया होगा तो? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो ये बेटा मैच नहीं कर सकते, क्योंकि सबका एडिशन करके अपने नहीं कर सकते, इसमें गिवन ही होगा है ना, क्योंकि ये 2 marker क्वेश्चन होता है. ओके ओके मैम. चलो अब बाकी के जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 1 to 7 आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना, और नेक्स्ट मेरा जब स्पाइरल का लेक्चर होगा ना, आज ट्यूजडे है ना, थर्सडे आएगा तो डाउट्स होगा तो पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम. यस मैम. आप एबिलिटी कंप्लीट 1 to 7 होमवर्क के ना लिखने का. हाँ 1 to 7 होमवर्क, ठीक है? यस. चलो बाय एवरीवन. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. बाय.